हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 181 के बारे में। ये जो है आपकी 1 तारीख 2 2021 की है और ये सेकंड क्लास की वर्कशीट है। इसका विषय क्या है? मेरा विद्यालय। बच्चों, यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी टीचर का नेम आप सभी को लिखना है। ये हिंदी की क्या है वर्कशीट है, इसमें देखते हैं ये क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज क्या है, आज 1 तारीख है और 1 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? वैश्विक नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व में वैश्विक नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों की सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को क्या करना? जागरूक करना। और जो विभिन्न आपदा हमारे यहाँ आती है और उनमें जो लोग शहीद हुए होते हैं उनको सम्मान देना और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का मेन कारण होता है इस दिन को मनाने का। आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 1। इस वर्कशीट में आपको प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है? तो इसमें प्रश्न नंबर 1 सभी को दिया गया है, आप सभी को, कि विद्यालय के बारे में कुछ वाक्य आपको लिखने हैं और उन्हें बोलकर क्या करना है? पढ़ना है। और नीचे दिए गए संकेत शब्दों का भी आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ये जो शब्द दिए गए इनका प्रयोग कर कुछ वाक्य आपको बनाना है। आइए देखते हैं क्या वाक्य बनेंगे आपके विद्यालय के लिए जो मैंने बनाए हैं। तो बच्चों, आप चाहें तो आप यही वाक्य लिख सकते हैं जो मैंने बनाए हैं। आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिख लेना है। लिखेंगे मेरे विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पर ये जो है आपको अपना विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आगे जो लाइन दी गई है वो लिख लीजिएगा, इसमें एक बड़ा मैदान है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद होगा कि मेरा विद्यालय। बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है विद्यालय, ठीक है। विद्यालय आपको इस तरीके से लिखना है जहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है वैसे नहीं लिखना है। तो मेरा विद्यालय एक मैदान, मेरे विद्यालय के मैदान में बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय के कमरे बहुत बड़े हैं और खुले हुए हैं, जिसकी वजह से विद्यालय के कमरे हवादार हैं और शौचालय बहुत साफ है। और मेरे विद्यालय में पुस्तकालय भी है और मेरा विद्यालय बहुत सुंदर भी है। तो बच्चों, एक बात बस आप याद रखिएगा, जो ये विद्यालय शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आप सभी को ये इस तरीके से ना लिखकर आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है कि आपको अपनी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में लिखना है। तो एक विषय आपका क्या हो जाएगा? हिंदी, जो आपकी कक्षा में पढ़ाया जाता है। दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित और चौथा क्या है? विज्ञान। तो ये 4 विषय आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों, आगे आपकी वर्कशीट में दिया गया है कि शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए उपदेश है कि वो बच्चों के साथ कई गतिविधियां करें जो उनके लिए ज़रूरी हों उनकी बातचीत करने में, ठीक है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वे बच्चों के इस समय अपने विद्यालय को बहुत याद करेंगे। जो बच्चे हैं वो इस समय अपने विद्यालय को बहुत याद करेंगे। विद्यालय से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बारे में बच्चों के साथ बात कीजिए और उसे उसके प्रिय मित्र की विशेषता पूछिए। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना नाम लिखकर बताएं।